दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता था। दोस्तों आज का वीडियो काफी मजेदार रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको SSO आईडी क्रिएट कैसे करें, यानी कि आपको एक SSO आईडी बनानी है, क्योंकि अब राजस्थान के जितने भी काम है, या तो वो योजना से रिलेटिव हो या वैकेंसी से रिलेटिव हो, जितने भी सारे काम है वो अब SSO आईडी से होने लगे हैं। तो दोस्तों आपको SSO आईडी क्रिएट करनी है, उसके संबंध में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी A to Z जानकारी आपको सावधानी पूर्वक समझा करके, आपको सरल भाषा में बताकर आपको SSO आईडी क्रिएट कैसे करते हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों SSO आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में या अपने एंड्रॉइड मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसे कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही गूगल को ओपन कर लेता हूं, तो अब आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा SSO.rajasthan.gov.in, ये लिखकर के आपको सर्च पर क्लिक करना है। ये आप देख लेना SSO.rajasthan.gov.in, ये लिखकर के आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सिंगल साइन ऑन का जो होम पेज है वो खुलकर ओपन हो जाता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। अब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो दोस्तों आप यदि सिटीजन कैंडिडेट है तो आपको सिटीजन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको उद्योग से रिलेटिव आपको SSO आईडी क्रिएट करनी है तो आपको उद्योग पर क्लिक करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यदि मान लीजिए कि आप सिटीजन कैंडिडेट है, ठीक है, आम नागरिक है, तो आपको सिटीजन आपको क्लिक करना होगा। जैसे सिटीजन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन है, जनाधार और गूगल आईडी। तो दोस्तों यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको बेस्ट आइडिया जनाधार कार्ड से SSO आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं गूगल आईडी से SSO आईडी क्रिएट कर लेता, तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले गूगल आईडी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे गूगल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपके जितने भी या तो अपने पीसी में या अपने एंड्रॉइड मोबाइल में जितने भी मेल आईडी है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको जितने भी SSO आईडी, जितने भी मेल आईडी है, उसमें से आपकी जो पर्सनल जो यूज आपकी जो एक्टिवेट रहती है मेल आईडी, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यानी कि आपके जो पर्सनल यूज में जो अपनी SSO अपनी मेल आईडी है हमेशा यूज रहती है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको कंटिन्यूज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यूज पर क्लिक कर लेंगे तो आपके जो SSO आईडी का यूजर नेम है वो ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो जाता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि अपने SSO आईडी के यूजर नेम में आपको संशोधन करना है, तो दोस्तों कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण ये जल्दी से ओपन नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं आप, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो पेज है ये ओपन हो जाता है। ये तो दोस्तों जैसे ही गूगल आईडी को सेलेक्ट करके मेल आईडी को सेलेक्ट किया तो उसके बाद में कंटिन्यूज पर क्लिक करके, जैसे ही कंटिन्यूज पर क्लिक किया तो आपकी जो यूजर आईडी है वो खुलकर ओपन हो जाती है, यानी कि यूजर आईडी ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो जाती है। अब इसमें यदि आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको इसमें अपना यूजर नेम, अपना जो अपने हिसाब से आप जो भी अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड बनाने होंगे। पासवर्ड हमेशा सिक्योरिटी वाले बनाने, यानी कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने होंगे। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए इसकी जो पॉलिसी है वो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, न्यू पासवर्ड मस्ट बी इन द फ्लोइंग पॉलिसी, इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अब मैं आपको पासवर्ड बना करके इस आईडी को लॉगिन करके उसके आगे क्या करना है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं सबसे पहले इसके पासवर्ड बना लेता हूं। जैसे ही पासवर्ड बना लिए तो उसके बाद में आपको
अपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहते हैं आपके जो पर्सनल यूज में होते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एसएसओ आईडी, ये आपकी एसएसओ आईडी बनकर हो गई, तैयार हो गई है, ठीक है, यानी कि आपकी एसएसओ आईडी क्रिएट हो गई। अब आपको सिंपली वापस इसी पेज पर आना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, जैसे वापस एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको लॉगिन करके आपकी जो नेक्स्ट आगे जो प्रोफाइल आपको तैयार करनी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको यहां पर अपने कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं, ये यहां पर कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं, तो इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो लॉगिन हो जाती है। ये कुछ इनवैलिड कैप्चा कोड के हिसाब से वापस इसे ओपन करना होगा। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है अपडेट, प्रोफाइल अपडेट से संबंधित जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप कर लेना है, उसके बाद में अपना डिस्प्ले नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है जो आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो भी कैटेगरी है, जेंडर फीमेल, जो भी कैटेगरी आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और उसके बाद में जो मेल आईडी है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद में अपना पोस्टल एड्रेस और यहाँ पर अपने जन आधार कार्ड, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो जन आधार कार्ड फिलअप करना जरूरी है, और आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जन आधार नंबर डालते ही अपने आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करके आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। जैसे अपडेट पर क्लिक कर